दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो कि 16 साल की उम्र में ही अपने बॉयफ्रेंड से संबंध बना के प्रेग्नेंट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद क्या क्या होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम इसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूनो होता है, जिसकी उम्र 16 साल होती है और पिछली रात ही जूनो ने अपने बॉयफ्रेंड से संभोग किया था। इसके बाद उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, इसीलिए जूनो एक दिन मेडिकल की शॉप पर जाती है जहां उसे कंफर्म हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये जानने के बाद जूनो के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि जाने अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिसके बाद जूनो अपनी एक फ्रेंड के पास कॉल करती है जहां वो उसे बताती है कि मैं पोली के साथ फिजिकल होके प्रेग्नेंट हो गई हूं। ये बात सुनकर जूनो की फ्रेंड उससे कहती है, तुम इन सब चीजों के लिए बहुत छोटी हो और अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दिया तो सब लोग तुम पर हंसेंगे और गंदी गंदी बातें बनाएंगे जिससे तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। वो जूनो को एक आइडिया देती है कि तुम अपना अबॉर्शन करवा लो और ये बात जूनो को भी सही लगती है, इसीलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास चली जाती है। उसी दौरान जूनो की नजर वहां पर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ती है जिन्हें देखकर वो इमोशनल हो जाती है और फैसला लेती है कि अब वो इस बच्चे को जन्म देगी। इसके बाद ये बात जाकर जूनो अपनी फ्रेंड को बताती है लेकिन वो उसे ऐसा करने से साफ मना करती है, जहां वो जूनो को लास्ट एडवाइस देती है कि तुम्हें इस बारे में अपने पेरेंट्स को बता देना चाहिए। इसके बाद ये दोनों घर पर जाते हैं जहां जूनो अपने पापा को सब कुछ बता देती है। तो इस पर जूनो के पापा कहते हैं, आखिर है कौन वो लड़का? तो जूनो बताती है, उसका नाम पोली है। तो इस पर जूनो के पापा कहते हैं, वो लड़की जैसी शक्ल का लड़का? तो जूनो कहती है, वो लड़की नहीं है और मैं बहुत प्यार करती हूँ। अगले सीन में हम जूनो और पोली को आपस में बात करते हुए देखते हैं। जूनो कहती है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो पोली कहता है, ये बच्चा तुम्हारा है ना कि मेरा, और इसका ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। ये सुनने के बाद जूनो को बहुत बुरा लगता है और वो फैसला करती है कि वो इस बच्चे को जन्म देकर उसे किसी जरूरतमंद को गोद दे देगी। एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते जूनो की नजर एक आर्टिकल पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगले ही दिन जूनो अपने पापा के साथ उस कपल के घर आ जाती है। उन दोनों कपल्स का नाम मार्क और मैरी होता है, जहां जूनो उनको अपनी कंडीशन के बारे में बताती है और वो इस बच्चे को गोद लेने के लिए मान जाते हैं। धीरे धीरे जूनो का मार्क के घर आना जाना शुरू हो जाता है। जूनो और मार्क की थिंकिंग काफी मिलती जुलती थी, इसीलिए वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इन दोनों को म्यूजिक का भी बहुत शौक होता है। जूनो एक बार फिर से पोली से मिलती है जहां उसे पता लगता है कि पोली कैटरीना नाम की एक लड़की को डेट कर रहा है। ये पता चलने के बाद जूनो को काफी बुरा लगता है, जहां पोली जूनो से माफी मांगता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रहना चाहता हूं। वो जूनो को बताता है कि कैटरीना की तरफ बस मेरा अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। ये सुनने के बाद जूनो से माफ कर देती है। अगले सीन में हम जूनो को मार्क से बात करते हुए देखते हैं जहां वो कुछ गंदी बातें करते हैं और इसके बाद डांस करने लगते हैं। तभी मार्क जूनो को बताता है कि मैं तुमसे सच्चा वाला प्यार करने लगा हूं और मैं मैरी को तलाक देकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये सुनने के बाद जूनो को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो घबरा के वहां से रोते रोते चली जाती है। अगले दिन जूनो उदास होकर अपनी उसी फ्रेंड के साथ बैठी होती है जो उसे बताती है कि पोली कैटरीना के साथ संभोग कर रहा है। और ये सुनने के बाद जूनो एक बार फिर से अपने पापा के पास चली जाती है और उनको अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके पापा उसे विश्वास दिलाते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हें भी तुम्हारा राजकुमार मिल जाएगा। लेकिन जूनो पोली से बहुत प्यार करती थी और उसका दिल नहीं मान रहा था, इसीलिए वो ट्राई करने के लिए एक बार फिर से पोली के पास जाती है। तभी वो दोनों किस करने लगते हैं। ये सब कुछ साइड में खड़ी जूनो की दोस्त देख रही थी और वो बहुत खुश होती है। इसके कुछ मंथ्स बाद जूनो की डिलीवरी हो जाती है और उसे देखने के लिए पोली भी हॉस्पिटल में आ जाता है। इसी दौरान वहां पर मैरी भी आ जाती है और वो इस बच्चे को अपने घर लेके चली जाती है। इसके बाद जूनो और पोली बिना किसी टेंशन के एक बार फिर से रिलेशन में आ जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं और यही मूवी का एंड हो जाता है।